हेलो टू एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नवोदय स्टेनोग्राफर। नाउ वी स्टार्ट एरर डिटेक्टिंग क्लास सेकंड। रीड द फॉलोइंग, फाइंड वेदर देर इज एनी एरर इन एनी पार्ट। ओके, एरर डिटेक्टिंग, तो देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट का सेंटेंस है, आई हैव कम टू नो दैट His father has died 3 days ago. Here A, B, C, D. Okay. His father has died. His father 3 days ago. So we have not used has. It's a very incorrect. Okay. तो इसको use करेंगे past indefinite tense में। इस सेंटेंस को पास्ट इनडेफिनिट टेंस में यूज करेंगे। ओके, पास्ट परफेक्ट और पास्ट टाइम एक साथ कभी नहीं होता है। ओके, केयरफुली सुनिए, पास्ट परफेक्ट और पास्ट टाइम कभी एक साथ नहीं होता है। तो इसे हिज फादर डाइड 3 days अगो। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इसमें थर्ड पॉइंट है ऑप्शन आंसर। ओके, व्हेन यू विल फाइंड आउट अ सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम यू विल बी अवार्डेड अ प्राइज। अब इस क्वेश्चन में देखिए क्या एरर है। व्हेन यू विल फाइंड, व्हेन है, इसके साथ विल, इट्स नॉट करेक्ट। सो व्हेन के साथ विल कभी नहीं आता है, कभी नहीं लिखा जाता है। ओके, व्हेन यू फाइंड आउट अ सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम यू विल बी अवार्डेड अ प्राइज, दिस इज अ करेक्ट सेंटेंस। सो द आंसर इज ऑप्शन ए। एंड द थर्ड, बिफोर द अलार्म हैड स्टॉप रिंगिंग निशा हैड टेलीफोन द पुलिस। बिफोर द अलार्म हैड, बिफोर है तो हमेशा ध्यान रखने की बात है कि बिफोर, तो फिर हमेशा पास्ट, बिफोर पे फर्स्ट पे पास्ट इनडेफिनिट। ओके, हैड इनकरेक्ट फर्स्ट। बिफोर द अलार्म स्टॉप्ड रिंगिंग निशा हैड टेलीफोन द पुलिस, हियर इज अ पास्ट परफेक्ट। ओके, तो को अच्छे से मैं डिस्क्राइब कर रही हूँ जिससे आपको समझ में आए बहुत ही अच्छे तरीके से, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये एसएससी में ज़रूर आता है। तो देखिए, बिफोर द अलार्म स्टॉप। ओके, तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ, ये पास्ट इंडेफिनिट। ओके, पास्ट इंडेफिनिट, बिफोर कहीं भी रहेगा तो पास्ट इंडेफिनिट फर्स्ट पे आएगा। ओके, एंड द सेकेंड आफ्टर दिस वी रिटन पास्ट परफेक्ट। ओके, इन द सेकेंड स्टेप। ओके, तो अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। फोर्थ पॉइंट, दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट आई सी सच एन इंटरेस्टिंग मूवी। दिस इज द फर्स्ट टाइम, दिस इज द फर्स्ट टाइम I see such an interesting movie। तो इसमें एरर ढूंढिए, इसको राइट करिए। तो यहाँ पर दैट आई हैव सीन ये करेक्ट होगा, क्योंकि दिस इज़ द फर्स्ट टाइम इंटरेस्टिंग, जब देखा तभी इंटरेस्टिंग हुआ ना मूवी, तो देख चुका था उसने, देख चुका है, तो आई हैव सीन। ओके, अब फिफ्थ पॉइंट देखते हैं। व्हेनेवर ही coming here he brings many gift for me। okay, whenever he coming here। okay, so whenever he coming here, jab aa raha tha to mere liye, not, it's not correct। whenever he comes, jab bhi vah aata hai to ye present indefinite mein aayega, jab bhi vah aata hai to mere liye hamesha gift, bahut sare gift lekar aata hai, तो इसका
मीन्स ये हुआ कि ब्रिंग्स हेयर, तो वी टिक ए ऑप्शन. नाउ डेज ही टीचेस इंग्लिश बिकॉज द टीचर ऑफ इंग्लिश हैज़ गोन फॉर अ मंथ लीव. ओके नाउ डेज ही इज, तो नाउ डेज अभी इस समय चल रहा है ना, तो चल रहा है आई एन जी का फॉर्म लगेगा. नाउ डेज ही इज टीचिंग, इज टीचिंग. ओके ही इज टीचिंग इंग्लिश बिकॉज द टीचर ऑफ इंग्लिश हैज़ गोन फॉर मंथ्स लीव. ओके ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर. ओके गोन फॉर अ मंथ्स लीव. दिस इज एंड सेवन, इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ हाई टाइम यू आर स्टार्टिंग दिस बिजनेस, सैड राम टू महेश. सैड इट इज़ अ पास्ट, सो वी हेयर वी यूज अ पास्ट, पास्ट एंड डेफिनेट. तो यू स्टार्टेड नॉट इन प्रेजेंट, इट इज़ इन पास्ट सेकेंड फॉर्म. तो वी यूज स्टार्टेड, यू स्टार्टेड दिस बिजनेस, सैड राम टू महेश. ओके सैड इज कोरिलेटेड विद सेकेंड फॉर्म ऑफ स्टार्टेड. ओके तो कहीं ना कहीं रिलेट होता रहता है, इसको बहुत अच्छे से हर एक सेंटेंस को देखिए तो अपने आप खुद ब खुद आपको आ जाएगा. ओके इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ हाई टाइम, आई विश, इफ, एज इफ के साथ हमेशा पास इंडेफिनिट यूज होता है. ओके हमेशा ऑल टाइम वी यूज पास्ट इंडेफिनिट. ओके लिख लीजिए. अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं एट, आई विल लेट यू नो एज सून एज, एज सून एज आई विल गेट एनी न्यूज इन दिस रिगार्ड. ओके तो इधर देखते हैं ये है सेंटेंस पूरा, एज सून एज अब इसमें भी आ गया. ओके जैसे वैन एज सून एज मैंने बताया था पहले, उसी तरह पूरा वही सेंटेंस है ऊपर वाला ही. इसको तो आप बहुत अच्छे से, इसी तरह है बहुत अच्छे से देख सकते हैं आप. पास्ट इंडेफिनिट, यहाँ भी पास्ट इंडेफिनिट ही यूज़ होगा क्योंकि एज सून एज, वैन एज, इफ ये सब कहीं हो तो इन केसेस में हमेशा पास्ट इंडेफिनिट का यूज़ करते हैं. ओके आई विल लेट यू नो एज सून एज आई गेट एनी न्यूज इन दिस रिगार्ड. ओके तो इसका ऑप्शन है आंसर ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. ओके अब नो बी, बी के रिगार्डिंग देखकर हम गेट लिखेंगे तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर. ओके आंसर सी, आंसर सी कर लीजिए करेक्ट आंसर. अब नेक्स्ट देखते हैं नाइन्थ, व्हेन आई विल क्रॉस 50 माय वाइफ विल क्रॉस 45. ये भी इसी टाइप का है. व्हेन आ गया है, व्हेन इट इज़ हाई, एज सून एज, व्हेनेवर, दिस टाइप ऑफ वर्ड्स कमिंग इन अ मैनी सेंटेंसेस वी यूज पास्ट इंडेफिनिट मीन वर्ड. ओके सेंटेंस इन द पास्ट इंडेफिनिट, व्हेन आई क्रॉस्ड. ओके वाइफ क्रॉस करेगी, दिस इज अ करेक्ट, बट इन दिस व्हेन आई, ओ व्हेन आई विल इज नॉट करेक्ट, सो इट इज रॉन्ग. व्हेन आई गेट पास्ट इंडेफिनिट में तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर. टेंथ देखते हैं, उसको सही से कर दूं तो आपको अच्छे से क्लियर दिखाई दे. ओके से हाँ, द सीक्रेट ऑफ हिज गुड हेल्थ लाइज इन द फैक्ट दैट, लाइज इन द फैक्ट दैट ही इज गेटिंग अप अर्ली एंड गोज टू बेड अर्ली. तो दिस इज अ, दिस इन दिस सेंटेंस हेयर आर हैबिट्स
हैबिट्स जो रोज़मर्रा का रहे हैं उनके लिए हमेशा आप जानते ही हैं पास्ट इंडेफिनिट का प्रेजेंट इंडेफिनिट, क्योंकि हमेशा रोज़मर्रा के कार्य हैं तो वो प्रेजेंट में जाएगा। ओके, डेली हैबिट्स किस में जाएंगी? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। ओके, प्रेजेंट इंडेफिनिट में जाएगा हमेशा, ध्यान रखिए इसे। इसको मैं लिंक भी दे रही हूँ जो कि आपको हमेशा लर्न रहे। यहाँ पास्ट इंडेफिनिट ना होकर प्रेजेंट इंडेफिनिट रहेगा, ये हमेशा ये ध्यान दीजिएगा। ओके, गेट्स लगेगा। अब गेट्स आप जानते हैं कि प्रेजेंट है, और यहाँ पास्ट मैंने लिख दिया है, थोड़ा एरर हो गया है, तो उसे आप देख लीजिएगा। ठीक, तो ये डेली हैबिट्स है इसलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट रहेगा हमेशा। प्रेजेंट इंडेफिनिट करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। Thanks.